हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सभी को सफीना इजी किचन में। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ। तो आज हम बनाएंगे ऑमलेट फ्लोफी अंडा करी की रेसिपी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनते हैं और ये बनाना बहुत ही आसान, बहुत ही इजी है। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आप लोग को बेहद पसंद आएगी। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना प्लीज़, तभी ये रेसिपी आपको प्रॉपर समझ में आएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आप लोग को अच्छी लगेंगे। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक देना, अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ये रेसिपी को ज़रूर से शेयर करना। बहुत ही मज़े की बनती है ये। आप इस रेसिपी को गर्मा गर्म रोटी चावलों के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं, पराठे के साथ। घर पे अगर मेहमान भी आए तो आप इस रेसिपी को इजी तरीके से और कम समय में बनाकर रेडी कर सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी। तो चलिए फिर बहुत ही मज़ेदार ऑमलेट फ्लोफी करी की रेसिपी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है, देख सकते हैं, अंडा ढेर सारा। तो आप जितना बनाएंगे आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से लीजिएगा। मैं यहाँ पर जितना बनाऊंगी, मैं अपने क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ पर मैंने अंडा लिया है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, एक एक करके अंडे को हमें तोड़ लेना है। तो आप यहाँ पर अंडे का जो ऑमलेट बनाएंगे ना, तो आप बड़ा बनाएंगे या छोटा बनाएंगे, ये यहाँ पर आपको अपने साइज के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने एक अंडे का एक ही ऑमलेट बनाऊंगी यहाँ पर। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर अंडे को एक एक करके अलग अलग करके मैंने तोड़ लिया है। और देख सकते हैं, जो हमने दाल तड़का मारते हैं ना, दाल तड़का मारने का जो चम्मच होते हैं, आप सब्जी उठाने वाला चम्मच से भी इस ऑमलेट को बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने गैस पे बैठा दिया है और हल्का सा तेल डाल के इसको मैंने गर्म किया। और बस ऐसे ही हमें ऑमलेट, जैसे ही हमें फोड़ा है ऐसे ही हमें जर्दी के साथ इसको ऐड कर देना है। उसके बाद ऊपर से थोड़ा सा हमें हल्का सा नमक ऐड करना है, ताकि ये फीका बिल्कुल ना लगे। और साथ में यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा हरी पत्ता यूज किया है, ताकि ये देखने में अच्छा भी लगे और थोड़ा सा ये खुशबूदार बने और खाने में टेस्टी बने। तो ऑमलेट देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे ही एक साइड में हो जाएगा ना, उसके बाद इसको हमें साइड चेंज कर देना है। दूसरी साइड भी इसी तरह से गोल्डन कलर होने तक ऑमलेट को हमें फ्राई कर लेना है। तो देखिए, बहुत ही आसान तरीके से ये पलटी भी हो गया है, आप देख के ही समझ पाए होंगे। और बहुत ही आसान तरीके से ये हमारी ऑमलेट रेडी भी हो गया है। गैस के फ्लेम को एकदम मीडियम आंच पर करके रखिएगा आप, एकदम बिल्कुल हाई हीट मत कीजिएगा, क्योंकि ये हमारी बर्तन जो होती है ना, बहुत छोटा होता है और इसमें अगर ऑयल रहते हैं और हाई हीट पर अगर हम इसको बनाएँगे तो इसमें तेल छिड़कने की चांस रहता है। तो इसीलिए गैस की फ्लेम को मीडियम आंच करके रखिए। और सेम तरीके से यहाँ पर मैंने ऑमलेट ऐड किया, नमक ऐड किया और धनिया के पत्ते ऐड किया। उसके बाद इसका साइड चेंज किया, उसके बाद दूसरी साइड चेंज किया। दोनों साइड से इसी तरह से हमें इसको सेक के रेडी करना है। तो सारे ऑमलेट जो है हमें इसी तरह से बना कर रेडी कर लेना है। और जैसे हम जो जो ऑमलेट जितनी बार भी बनाते जाएंगे ना, इसमें थोड़ा थोड़ा तेल हमें ऐड करते जाना है, नहीं तो हमारी ऑमलेट जो है जल जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर फिर भी मेरा तेल की क्वांटिटी बहुत ही कम लगा, क्योंकि मैं जो ये बना रही थी ये नॉनस्टिक के बर्तन में बना रही थी, तो इसमें थोड़ा सा तेल ना बहुत कम ही सूखता है। तो देखिए, इसी तरह से हमें जैसे ही नीचे से हो जाएगा ना, फिर इसका साइड हमें इस तरह से चेंज कर देना है। यहाँ पर मैं दो चम्मच की मदद लीजिए, यहाँ पर मैं एक छुरी और चम्मच की मदद लेके इस तरीके से इसका साइड चेंज करते हुए दोनों साइड से मैंने इसको ऑमलेट को फ्राई कर लिया है। देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आप ना इसे मॉर्निंग टाइम में, मॉर्निंग के नाश्ते में भी आप इसको इस तरीके से बना के खा सकते हैं। बच्चे की टिफ़िन बॉक्स में भी आप इस तरीके से ये ऑमलेट को बनाकर दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी तो है ही हमारी ऑमलेट, तो इसी तरह से बनाएंगे तो ये और भी टेस्टी लगेगा। तो आप इसी तरह से ना ब्रेकफास्ट में ये ऑमलेट रेडी कर सकते हैं, और या फिर आप बच्चे की टिफ़िन बॉक्स के लिए आप रेडी करके बना के दे सकते हैं इसी तरह से। तो आज मैं इस रेसिपी की पूरा प्रॉपर रेसिपी दूंगी आप लोग को, ताकि इसकी ग्रेवी, इसकी करी किस तरह से बनाएं हम। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है। पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, वीडियो को स्किप करके ना देखें बिल्कुल। इसकी जो ग्रेवी की टेक्सचर है ना, बहुत ही अमेजिंग बनते हैं।
तो किस तरीके से मैंने इसकी ग्रेवी बनाया था, तो पूरा वीडियो आप लोग ज़रूर देखें। कभी कभी होता है हमें कुछ अच्छा खाने की मन करते हैं और हमारे पास जो है ना समय टाइम बहुत कम रहता है और बहुत अच्छे कुछ बना के खाने की मन करता है, तो आप ये रेसिपी को एकदम कम समय में रेडी कर सकते हैं और घर पे जो सिंपल से मसाले होते हैं ना उसी से ये रेसिपी आप बना के रेडी कर सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना फ्रेंड, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं ये। मैं आप लोग को ये रेसिपी की एकदम पूरे प्रॉपर गारंटी दूंगी, आप ज़रूर से इस रेसिपी को आप एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा मेरे स्टाइल में, मैंने किस तरीके से इसको बनाया है, ठीक है। क्योंकि हर कोई बनाते हैं, हर किसी का भी रेसिपी जो होते हैं अलग होते हैं, तो आप मेरे रेसिपी को एक दफ़ा इस तरीके से ज़रूर से ट्राई करना। मैं जो भी रेसिपी देती हूँ एकदम सिंपल इजी तरीके से देती हूँ। अगर आप लोग को मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, चैनल के साथ बने रहना और इसी तरह से अपना प्यार अपना लाभ देते रहना। तो देखिए कितना फ्लोफी फ्लोफी हमारे यहाँ पर आमलेट सारे रेडी हुआ है, देख सकते हैं आप। सारे आमलेट पहले यहाँ पर मैंने बना कर रेडी कर लिया है, देख सकते हैं। अभी चलते हैं हम इसकी करी, इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। तो इसकी ग्रेवी मैंने किस तरीके से बनाया है आप अभी मैं नेक्स्ट रेसिपी आप लोग को बताती हूँ। तो देखिए सारे आमलेट यहाँ पर हमारी एकदम बिल्कुल रेडी है, तो आप इसी तरह से सारे आमलेट रेडी कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमने ले लिया है कढ़ाई, इसमें ऐड करेंगे आधा कप के करीब तेल। आप जो भी तेल खाना पसंद करते हैं आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एक यहाँ पर मैंने बादियान का फूल ऐड किया है, दो हरी इलायची ऐड किया और 10 से 12 यहाँ पर मैंने काली मिर्च ऐड किया, दो लौंग ऐड किया। ये सारे खड़े मसाला यहाँ पर ऐड करेंगे और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने जीरा ऐड किया है और आधी इंच के करीब दालचीनी के टुकड़ा ऐड किया है। ये सारे गरम मसाले का जो खुशबू है ना हमें बहुत ही अच्छा इसमें एक खुशबू देगा, इस रेसिपी में बहुत अच्छा एक टेस्ट देगा। तो सारे मसाले जैसे ही थोड़ा सा क्रकल हो जाएगा उसके बाद हमने यहाँ पर ऐड कर देना है दो मीडियम साइज़ की प्याज। तो प्याज के साइज देखिए आप, मैं किस तरीके से इसको कट किया है, एकदम बारीक बारीक चॉप कर लिया है। इसी तरह से आपको प्याज को कट कर लेना है। तो प्याज को हमें यहाँ पर ज़्यादा डार्क करके फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा इसको हमें फ्राई कर लेना है, हल्का हल्का इसमें कलर आ जाए इस तरीके से फ्राई करना है। तो प्याज हमारी जब तक फ्राई हो रहे ना तब तक यहाँ पर हमने मसाला पीस लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा साइज की लहसुन का छिड़का उतार लिया है और साथ ही में यहाँ पर अदरक 2 इंच के करीब यहाँ पर मैंने अदरक लिया है, उसे ऐड कर देंगे। सूखी वाली लाल मिर्च ऐड करेंगे 6 से 7, आप अपने तीखा के अकॉर्डिंग ऐड करें। 10 से 15 यहाँ पर मैंने काजू बादाम ऐड किया, थोड़ा सा यहाँ पर मैंने धनिया की पत्ती ऐड किया, थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इस मसाले को हम पीस लेंगे। तो देखिए मसाला एकदम पीस चुका है, एकदम बारीक यहाँ पर मैंने पीस लिया है, एकदम गाढ़ा सा पेस्ट रेडी है और प्याज भी हमारे यहाँ पर फ्राई हो चुका है, देख सकते हैं। इसी तरह से हल्का यहाँ पर गोल्डन कलर करके प्याजों को फ्राई कर लेना है। जैसे ही प्याज फ्राई हो जाएगा इसमें ऐड कर देंगे 3 मीडियम साइज की यहाँ पर टमाटर, तो टमाटर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक ताकि हमारी जो टमाटर है ना एकदम गल जाए जल्दी से। नमक ऐड करने के बाद यहाँ पर ऐड कर देंगे हम हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच और इसके बाद यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मैं तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर। आप यहाँ पर जो तीखा है ना अपने क्वान्टिटी के हिसाब से ऐड कीजिएगा और साथ ही में यहाँ पर ऐड कर देंगे 1 चाय की चम्मच भर के धनिया पाउडर, इसका बहुत ही अच्छा सा एक खुशबू आएगा। बाकी यहाँ पर और कोई भी मसाला हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि खड़े गरम मसाला जो है हमने पहले ही ऐड कर चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पर मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद जो है मसाला हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसको भून लेना है और टमाटर को हमें गला लेना है। जब तक हमारे टमाटर आधा गला ना हो जाए तब तक हमें यह मसाला ऐड नहीं करना है। टमाटर हमारी जैसे ही गल जाएगा उसके बाद हमने जो काजू बादाम अदरक लहसुन जो पीस के रखे थे उस मसाले को हम यहाँ मसाला ऐड करते ही ना हमें इसको चलाते हुए इसको लगातार भूनते जाना है। जो यहाँ पर थोड़ा सा टमाटर गलना बाकी था वो भी गल जाएगा और मसाला हमारी अच्छी तरह से भून जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर पानी हमें ऐड नहीं करना है,
जो यहाँ पर मैंने मसाला ऐड किया उसका जो मिक्सी जार था थोड़ा सा मैंने धो के सिर्फ पानी ऐड किया है यहाँ पर, और बाकी पानी यहाँ पर ऐड नहीं करना है। बस इसको हमें इसी तरह से भूनते जाना है। जैसे ही ये भून जाएगा, भून के रेडी हो जाएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा आपकी जो मसाला है ना एकदम बिल्कुल ये यहाँ पर दानादार हो जाएगा। देख सकते हैं एकदम थिक हो चुका है और दानादार हो गया है, देख सकते हैं। और इसका जो ऑयल है अच्छी तरह से सेपरेट हो चुका है। इसी तरह से हमें ये मसाला एकदम बिल्कुल भून लेना है। तो ये बिल्कुल भून के रेडी है। और टमाटर देख सकते हैं एकदम अच्छी तरह से टमाटर हमारे गल चुका है और ग्रेवी टाइप में एकदम आ चुका है मसाला। इसी तरह से आपको टमाटर को यहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं रखना है, भून के एकदम इस तरह से इसका ग्रेवी रेडी कर लेना है। तो मसाला यहाँ पर भून के रेडी है, उसके बाद हमने यहाँ पर इसका ग्रेवी करना है। तो पानी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ऐड करें, आपको किस तरह से इसका गाढ़ा पतला ग्रेवी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 3 गिलास के करीब पानी ऐड किया है। तो पानी आपको गर्म पानी ऐड करना है, बिल्कुल यहाँ पर ठंडा पानी से ये ग्रेवी नहीं बनाना है, क्योंकि इसका जो टेस्ट है ना बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। आप जब भी कोई भी ग्रेवी बनाएं तो गरम, लास्ट में जब हम पानी ऐड करते हैं ग्रेवी बनाने के लिए, तो गरम पानी आप ज़रूर से ऐड कीजिएगा। इससे टेस्ट में फ़र्क बहुत आता है। पानी ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, थोड़ा सा पका लिया है। पकाने के बाद यहाँ पर हम सारे जो ऑमलेट है इस तरह से एक एक करके ऐड कर देंगे। ऑमलेट ऐड करने के बाद इसको हमें थोड़ा सा और भी पकाना है, ताकि ऑमलेट हमारी अच्छी तरह से इसके अंदर भी ग्रेवी चला जाए एकदम, क्योंकि ये स्पॉन्ज टाइप की बने हैं तो इसके अंदर भी सूप चला जाएगा। तो ये खाते वक्त बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत ही ज़बरदस्त एकदम होटल स्टाइल में ये रेसिपी बन के रेडी होता है। फ्रेंड ज़रूर से आप लोग इस रेसिपी को एक बार ट्राई करना, मेरे कहने पे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड तक भी ये रेसिपी शेयर कर देना। तो देखिए एकदम बिल्कुल यहाँ पर मैंने पका के रेडी कर लिया है। लास्ट में यहाँ पर हमने ऐड कर देंगे हरी धनिया पत्ती, और फिर इसको हम थोड़ी देर इसको धनिया ऐड करने के बाद इसको पका लेते हैं। इसको थोड़ा सा दम पे रखेंगे ताकि इसका जो ग्रेवी है ना एकदम गाढ़ा हो जाए। और मुझे तो ऐसे ही इसका एकदम पतला सा झोल जो होता है ना बहुत अच्छा लगता है, मुझे खाने में बहुत टेस्टी बनते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से ये बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बने हैं। बस आपको 10 से 15 मिनट ये रेसिपी लगेगा बनाने में, अगर आप कंटिन्यू इस रेसिपी को बनाते जाएंगे 10 से 15 मिनट में ये रेसिपी आपकी रेडी हो जाएगी। बहुत ही टेस्टी ज़बरदस्त मज़ेदार फ्लफी ऑमलेट करी की रेसिपी। तो देख सकते हैं इसका लुक देखिए आप कितना मज़े की लगता है ये। तो देखने में इतना ये अच्छा लग रहा है तो खाने में ये कितना टेस्टी लगेगा, ज़रूर से आप ट्राई करना, बहुत ही मज़े की लगते हैं। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑल कर लेना, ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन की वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट न्यू रेसिपी के साथ। खुश रहे, आबाद रहे, मुझे भी अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, बाय बाय।